नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं या अपने शोरूम के लिए नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपने जो ध्यान रखना है, आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या रेंट पर लेने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी हमेशा ही स्क्वेयर या रेक्टेंगल होनी चाहिए। कोई भी कोना घटा हुआ या बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने जो ध्यान रखना है, जो आपका बाहर का एरिया है, यदि आप ईस्ट फेसिंग कोई शोरूम खरीदने जा रहे हैं या रेंट की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो उसके नॉर्थ ईस्ट के भाग में ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है, आप जो शोरूम खरीदने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं, वो रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के भाग में सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपने एक बात का और ध्यान रखना है, यदि आपके शोरूम के सामने कोई टी पॉइंट आता है, तो ऐसी जगह को भी आप अवॉइड करें। जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी लास्ट एंड की भी नहीं होनी चाहिए, आखिर की भी नहीं होनी चाहिए। चाहे वो आपकी लास्ट में आकर यहाँ पर रास्ता बंद होता है, साउथ ईस्ट की ओर रास्ता बंद होता है, या नॉर्थ ईस्ट की ओर रास्ता बंद होता है, या पूरी की पूरी गैलरी आपकी दुकान पर आकर ख़त्म हो जाती है, ऐसी प्रॉपर्टी भी नहीं लेनी चाहिए। आपने प्रॉपर्टी परचेज की है या रेंट पे ली है, जब आप अपना शोरूम तैयार करें, तो उसमें आपने जो मीटर लगाना है, मीटर आपके यहाँ साउथ ईस्ट के भाग में लगना चाहिए। आप अपने यहाँ फ्लोरिंग कराते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं, तो उसके फर्श की जो ढलान है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर आनी ही चाहिए। आपने अपने यहाँ पर पानी का टैंक बनवाना है, तो वो पानी का टैंक आपने नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट के बीच में जहाँ आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पर आप पानी का टैंक बनवाएं। आप अपने यहाँ पर हार्वेस्टिंग टैंक भी बनाना चाहते हैं, तो वो टैंक भी आपका नॉर्थ ईस्ट के भाग में ही बनेगा। आपके यहाँ सीवरेज लाइन नहीं है, तो आपको अपने यहाँ पर सेप्टिक टैंक कहाँ बनाना है, सेप्टिक टैंक आपने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के भाग में बनाना है। एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जब आप सेप्टिक टैंक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के भाग में बनाएं, तो इससे बड़े साइज का पानी का टैंक नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनाना बहुत जरूरी है। जितनी लंबाई चौड़ाई और गहराई सेप्टिक टैंक की बनती है, उससे ज़्यादा लंबाई चौड़ाई और गहराई पानी के टैंक की आपने बनानी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा स्टेयर्स आपने कहाँ बनानी है। स्टेयर्स आपने साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक के भाग में आप स्टेयर्स क्लॉकवाइज बना सकते हैं। वेस्ट में स्टेयर्स बनाने से आपके छत के ऊपर वेस्ट का भाग ऊंचा हो जाता है, और उसके कारण आपके यहाँ हमेशा ही वर्किंग अच्छी रहती है। जब भी साउथ का भाग और वेस्ट का भाग ऊंचा होता है, भारी होता है, उस जगह में हमेशा ही वर्किंग अच्छी रहती है, ऐसा वास्तुशास्त्र भी कहता है और मेरा अपना अनुभव भी कहता है। इस प्रकार आप अपना सेटअप करेंगे, तो आपका शोरूम बहुत ही बढ़िया चलेगा। आपके शोरूम के यानी ईस्ट फेसिंग शोरूम के सीटिंग और सेटिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देना चाहूँगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को अपने सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। आप मेरे से मिलना चाहते हैं, तो आप मेरे ऑफिस में आकर मिल सकते हैं। आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते, तो आप फ़ोन पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।